आईपीएल 2023 का मैच केकेआर वर्सेस सीएसके, यह जो मुकाबला है गाइस ईडन गार्डन कोलकाता में होगा। और ये जो पिच है गाइस, ये बैटिंग के लिए बहुत ही मुफीद है, पेसर्स के लिए बहुत बढ़िया पिच है। रीसेंट रिकॉर्ड देखे लास्ट 5 टी20s का, तो एवरेज रन यहाँ पे 172 बने हैं, टोटल विकेट 68 हुए हैं, इसमें से 37 पेसर्स ने लिए और 31 स्पिनर्स में। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग खेलते हैं, आप ड्रीम 11 खेलते हैं या फैंटेसी लीग खेलते हैं, तो आपको इस स्टैट्स को बहुत ध्यान रखना है। हमारा चैनल गाइस स्टैट्स पे बहुत काम करता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि हमारा चैनल देख के लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कैसे? हमारी ड्रीम 11 की फैंटेसी टीम्स गाइस स्मॉल लीग्स में लोग बड़ा अमाउंट कमा रहे हैं। हम मैच से टॉस के बाद में, मैच से पहले हम अपनी फाइनल टीम ड्रीम 11 की अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं गाइस। साथ में जो लोग मैच खेलते हैं गाइस, टॉस खेलते हैं, खासकर मैच खेलते हैं, तो हमारे रिपोर्ट 100% एक्यूरेट निकल रही है गाइस। हम 100% टीम रिपोर्ट बहुत सही दे रहे हैं गाइस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमकिंग स्पोर्ट्स पे जाके देखिए कि हमने बोला था पंजाब जीतेगी, टेलीग्राम पे हमने जो जो प्रेडिक्शंस किए जिन मैचेस की एक्यूरेट निकली है गाइस। तो जो लोग मैच खेलते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे गाइस। साथ में गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं और जो एनालिसिस चाहते हैं हर एक मैच का वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट का, वो हमारे ब्लॉग पे जाके आप पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारे ब्लॉग्स पढ़िए गाइस, mkingsports.com, और साथ में डेली अपडेट्स क्रिकेटर्स की लाइफ के बारे में जानना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए गाइस। अब इस मैच की बात करते हैं गाइस कि ये मैच बेसिकली क्या कह रहा है। ये जो मैच है बेसिकली गाइस, ये हेड टू हेड की बात करें तो टोटल मैचेस प्लेड 10 हुए हैं, कोलकाता 3 जीती है, चेन्नई 7 जीती है, तो चेन्नई का पल्ला बहुत भारी है। पॉइंट टेबल की बात करें तो सीएसके पॉइंट टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है गाइस, वहीं कोलकाता 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पे। एज यूजुअल ज्यादातर कोलकाता नीचे रहती है गाइस, यहां पे भी आपको मिलेगी पॉइंट टेबल के नीचे पे। पिच की बात करें तो पल्लेबाजों के फेवर में, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को मदद मिलती है। यहां टारगेट चेस करने वाली टीम 46 मुकाबलों में बाजी मारी है गाइस, 46 मुकाबलों में, तो चेस करना यहां पे मुफीद रहता है। टॉस की बात करें, इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम को बाद में बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेजिंग ग्राउंड है। के आगे की प्लेयर्स पे बात करते गाइस जो आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में जरूर लेनी चाहिए। वेंकटेश अय्यर गाइस जो कि शतक मार के आए हैं, शार्दुल ठाकुर उन्हें जरूर लेना चाहिए, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, पर साथ में गाइस अगर ईडन गार्डन में मैच है तो की प्लेयर साबित होंगे सुनील नारायणन और वरुण चक्रवर्ती, आप उन्हें जरूर टीम में रखिएगा गाइस। साथ में अगर सीएसके की प्लेयर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, और की प्लेयर अगर मिचेल सैंटनर खेलते तो वो यहां हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा तो ही है गाइस, साथ में अजिंक्य रहाणे को जरूर रखिएगा टीम में, और गाइस तुषार देश पांडे वो जरूर हो सकता है आपकी प्लेयर्स की सूची में। तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे टीम बनानी है बेसिकली, ये मेन प्लेयर्स है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। साथ में गाइस जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी टॉस के बाद में। मिनिमम 4 प्लेयर वाली स्मॉल लीग में लगाइए, ग्रैंड लीग में लगाइए गाइस, और साथ में मैंने आपको बताया मैच प्ले करते हैं अगर आप, तो आपको फाइनल विनर भी हमारी टेलीग्राम पे मिलेगा। तो गाइस टेलीग्राम पे पहुंचिए और मोटा प्रॉफिट कमाइए हमारे साथ मिलके गाइस। साथ में इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गाइस, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू गाइस।